बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों बी टाउन की पार्टीज और अवार्ड फंक्शंस में काफी शिरकत कर रही हैं। उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि देसी गर्ल अपने फैंस के दिलों में फिर से जगह बनाने की पूरी कोशिश में लगी है। हाल ही में हुए एक इवेंट में प्रियंका पहुंची, जहां उन्होंने सबके सामने करण जौहर को तमाचा जड़ दिया। दरअसल प्रियंका करण जौहर के साथ रोहित शेट्टी के टीवी शो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार के सेट पर पहुंची। इस शो के दौरान बातचीत में प्रियंका ने बताया कि आम दर्शकों की ही तरह फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्हें भी बेहद पसंद है। साथ ही इस मौके पर प्रियंका ने रोहित और करण के साथ इस फिल्म का बियर वाला सीन भी किया, जिसमें शाहरुख और करण बियर लेने जाते हैं और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। फिर शाहरुख करण को एक थप्पड़ मारते हैं। इस सीन के लिए प्रियंका ने जहां शाहरुख खान का रोल चुना, करण ने अपना, तो रोहित ने अमरीश पुरी का किरदार निभाया। ऐसे में ये सीन करते हुए शाहरुख की तरह प्रियंका ने करण जौहर को एक थप्पड़ भी मार दिया और इसके बाद बताया कि फिल्म का ये सीन उन्हें बेहद पसंद था और वो करण को तब से थप्पड़ मारना चाहती थी जब से उन्होंने पहली बार ये फिल्म देखी थी। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।